हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग आज आए हैं ब्लॉग में, क्योंकि गाइस सबका एग्जाम चल रहा था इसलिए। लेकिन गाइस आज हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि गाइस हम लोग जा रहे हैं एक नया स्कूटी लेने के लिए। तो गाइस हम लोग का एक स्कूटी था व्हाइट कलर का, आप लोग को पता ही होगा। तो गाइस नहीं बहुत दुख की बात है, वो कल चोरी हो चुका था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसलिए हम लोग आज ही लेने जा रहे हैं नया स्कूटी। तो ये जो स्कूटी था हम लोगों ने फाइनल कर दिया था, बस हम लोग को अभी लेने जाना है। आज सुबह उसका डिलीवरी है, तो अभी फटाफट चलते हैं। पापा लोग भी जा रहे हैं मेरे साथ, चलिए चल 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 चल। सो गाइस अभी हम लोग निकलते हैं नया स्कूटी लेने के लिए। यस तो गाइस ये जो स्कूटी हम लोग लेने जा रहे हैं व्हाइट कलर की सुजुकी एवेनिस, तो फटाफट चलते हैं अपन लोग। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अभी हम लोग जाने वाले शोरूम में। तो गाइस वो रहा सुजुकी का शोरूम, चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे सुजुकी शोरूम में, क्योंकि गाइस वाले शोरूम में अवेलेबल नहीं था मारुति सुजुकी एवेनिस जो हमें चाहिए स्कूटी। तो गाइस अभी इन लोग बोल रहे हैं व्हाइट कलर भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम लोग ब्लैक कलर ले लेते हैं। ब्लैक कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, पापा लोग भी बोल रहे हैं व्हाइट ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ब्लैक कलर ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब इन लोग हम लोग का पूरा स्कूटी खोल के अभी सीट कवर सब लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। भाई प्रोटेक्शन तो जरूरत ना भाई, इसमें पावर रखने का भी अलग से सिस्टम हम लोगों ने लगवा दिया है, बढ़िया लग रहे हैं। अभी सब डिस कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, बस थोड़ी सी चीज बाकी है, बस अभी मैट कवर लगाना है फिर काम खत्म। ओ भाई साहब देखिएगा यहाँ अंदर का क्या लुक लग रहा है भाई, सब मशीनों को देख के। गाइस हमारा नया स्कूटी आ चुका है, ये रहा। अभी हम लोग ये लेके घर में जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे। कैसा लग रहा है गाइस कमेंट कीजिएगा। तो गाइस अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइस फाइनल एग्जाम खत्म हो गया और आज ही से हम लोग अपना व्लॉग को दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं, और आप सभी को वेरी वेरी सॉरी क्योंकि हमने आप सभी को इतना दिन रुकाया। A few moments later. तो गाइस ये देखिए हमारा हवन का छोटा सा, ये रहा हमारा हवन कुंड, यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। ये हमारा सामग्री, ये हमारा शाखा जिसकी हम लोग डालेंगे इसमें, इनका भी भोग लगेगा। और ये छोटा मोटा सामान, ये है आरती का तैयारी, यहाँ पे मैंने मंत्र लिख लिया कि हम लोग को क्या क्या बोलना है बीच बीच में। तो गाइस हमारा फाइनली अभी पूजा हो गया है, बस हवन बाकी और आरती बाकी हम लोग करेंगे अभी। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने मैया का जोत लिया था जो कि अभी हम लोग ने ले लिया है। ये सभी भोग और प्रसाद लगाया हुआ है, ये रहा पूड़ी सब्जी सभी बन के तैयार है, इनका सभी का भोग लगा लिया हम लोग ने। वहाँ पे भी हम लोग ने भोग लगाया है दोनों के तरफ में ही, यहाँ पे बैठ के हम लोग ने पूजा किया। अभी और बैठेंगे इसलिए हमने इसको उठाया नहीं अभी तक। ये रही हमारी मम्मी जो कि अभी तैयार हो गई अच्छा से, ये रही हमारी दादी जो कि अभी हमारी पुजारिन भी बनेगी, और ये रही हमारी बड़ी दादी जो कि अभी नारियल लेके आ रही है, वो रही हमारी नारियल। तो ये रहा हमारा नारियल, इसके अंदर भी फूल भी होगा था, माना जाता है कि नारियल के अंदर फूल उगने से शुभ होता है। तो अभी हमारे घर में हवन चल रही है और पापा मम्मी लोग हवन में कर रहे हैं, अभी पूरी खीर ये सब चढ़ा रहे हैं। और ये रहे निखिल भैया जो अभी यहाँ पे पूजा के साथ बैठे हैं, और ये रही हमारी दादी। तो कन्या लोग को हम लोगों ने बुला लिया अच्छे से खिलाने के लिए, और इन लोग अभी खा चुके हैं बढ़िया से। अभी बारी है हम लोग इन लोग के आशीर्वाद लेने की। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने देखा पूजा हो चुका है, और जिन अभी हम लोग सभी जिमा रहे हैं, हम लोग ने दो बार जिमाया, एक बार तो जिमा लिया उसका ब्लॉग नहीं बनाया, तो हम लोग चीज चॉकलेट बांट रहे नेक्स्ट मॉर्निंग। गाइस 2 मिनट पहले बहुत तेज एकदम हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था, लेकिन गाइस अभी अचानक धूप आ चुकी है और बारिश भी आ रही है साथ में। लेकिन गाइस क्लाइमेट
चेंज हो जा रहे बार बार। धूप देखिए क्या तेज तगड़ा धूप है, और देखिए मौसम देखिए क्या खतरनाक बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश भी साथ में आ रही है। आप लोगों को शायद बारिश नहीं दिख रहा होगा, उसमें ड्रॉपलेट्स देखिए गाइस दिख रहा होगा। तो बहुत ही अभी 2 मिनट बाद वापस क्लाइमेट क्या पता चेंज हो जाए। बादल देखिए गाइस क्या सुंदर लग रहा है बादल। आफ्टरनून हो चुकी है और अभी हम सभी अपने काम कर रहे थे, पर अभी हम लोग सब लोग बाहर जा रहे हैं। हम लोग प्लांट्स खरीदेंगे और छोटा मोटा घर का सामान खरीदना है, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो गाइस ये देखिए, ये रहा हमारा नया एक्टिवा, हमारा नंबर प्लेट भी आ चुका है एक्टिवा का, वो उधर में है। और अभी हम लोग इस छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, साथ में ताऊजी भी जा रहा है और अखिल भाई ड्राइविंग करेगा, अखिल भाई बाहर गया शायद से। तो गाइस इतने दिनों बाद हम सभी साथ में जा रहे हैं गाड़ी में एक साथ, मतलब व्लॉग के थ्रू आप सभी को भी दिखने को मिल रहा होगा। इतने दिन बाद हम लोग व्लॉग कर रहे हैं और साथ में गाड़ी में जा रहे हैं। और ये है हमारा माहौल बिलतल्ला का सब्जी मार्केट का ऑन संडे। सभी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने में आए हुए हैं। यहाँ पे एक दादाजी भी दिख रहे हैं, आंटी भी है, सब लोग सोच रहे हैं क्या क्या लेना है। और ये हम लोग जब एंटर करे नर्सरी, यहाँ पर 2 नर्सरी था, ये है पहला नर्सरी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे 2 नर्सरी है, ये रहा एक नर्सरी और ये रहा दूसरा नर्सरी। तो गाइस ये देखिए, ये है पहला नर्सरी का एनवायरनमेंट। यहाँ पे फाउंटेन भी है और यहाँ पे आपको मंदिर भी दिखेगा। ये माहौल जो इतना सुकून दे रहा है हम लोग को और इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है, मतलब क्या बताऊँ, एकदम इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे मैं वॉक कर करके पूरा प्लांट्स का वीडियो भी बनाई हूँ। तो गाइस हम लोग जो उस नर्सरी में गया था वहाँ पे हम लोग को पेड़ नहीं मिला, तभी हम लोग इस वाले नर्सरी में जा रहे हैं। होप कि मिल जाए यहाँ पे हम लोग को पेड़। देखिए यहाँ पे मैं वाटर प्लांट्स भी लगाया हुआ है। तो गाइस ये रहा पेड़ बोला जा रहा है, ये हरसिंगार का पेड़ है, इसको पारिजात का पुष्प भी बोलता है, जस्ट नाइटिंगेल भी बोलता है। ये कैसा पेड़ है। तो गाइस हम लोग को फाइनली हरसिंगार का पेड़ मिल चुका और ये अंकल हम लोग के लिए पॉट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग करने जाएगा तो हम लोग पूरा मैस करने वाला है। तो अंकल को पता है कि कौन कौन से सॉइल डालना है, क्या क्या मिक्सचर डालना चाहिए। तो अंकल हमारे डाल रहा है उसको अच्छे से, अभी प्लांट कर चुके हैं अंकल हमारे लिए। क्या क्या मिक्स कर रहा है? ये गाय का गोबर है और उसके बाद आपका धान का तुस और आपका ये काट का भूसी है और आपका मिट्टी। तो गाइस हम लोग आया तो खाली हरसिंगार का पेड़ लेने के लिए, पर मैंने साथ में चार फीट डांस मार के कड़ी पत्ता भी ले लिया, हमारा पेड़ दोनों, और एक और आ रहा कड़ी पत्ता जो मैंने चांस पे डांस मार के ले लिया। ये रहा डिग्गी में अखिल का रखेंगे। गाइस ये देखिए, ये रहा दोनों पेड़ को सीट में रखना पड़ा, तो इसलिए भी हम लोग को इतना सही जगह में देखिए फंस के बैठना पड़ रहा है। तो गाइस ये देखिए इस एटीट्यूड मास्टर को जो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं साथ ही साथ, और साथ ही साथ आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल नहीं तो सब्सक्राइब करेगा। ये देखिए प्रेम को टेंशन में आते हुए डूम डूम, लो एंड करो अभी।